लिंक आली काय म्हणते ते हां लाइव आहे ओके मला नोटिफिकेशन नाही आलं हेमंत मैं नोटिफिकेशन नहीं आला हाँ ओके यस सो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, लंच हो गया तो लंच के बाद जैसे हम कुछ मीठा खाने के लिए रखते हैं ना, जो पसंद का है वो आखिरी में रखते हैं, तो इट इज लाइक दैट कि टैक्स इज देयर आफ्टर योर लंच फॉर अ फ्यू डेज. ऑफकोर्स द शेड्यूल विल बी डिफरेंट आफ्टर द रिजल्ट इज आउट, वील हैव अ डिफरेंट शेड्यूल. सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो. सो first you know that taxation as per the new syllabus is in group 1, it is your paper 3, right? So paper 3, aur aapko iske bare mein kya pata ki taxation jo hai usme you know there are two parts to it, right? There is part A, there is section A and there is section B. A is direct tax and B is GST. And what's the weightage of the marks? One second, voice ithe no sound yate hai, man check kar YouTube la. ओके ओके ऑल राइट नाउ चेक स्टूडेंट जस्ट चेक अभी साउंड वगैरह सब ठीक है क्या प्लीज चेक ओके वॉइस लैग भी होते थे ओके आए ओके ठीक है सो या सो कैन यू ऑल हियर डियर स्टूडेंट्स टेल मी समबडी फ्रॉम द लाइव स्ट्रीमिंग जस्ट टेल मी इज द साउंड इश्यू सॉल्व लाइव स्ट्रीमिंग में से अगर कोई बोल सकता है तो इट विल बी गुड इज ऑल गुड ओके यस फाइन ग्रेट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड तो तुमको पता है 50 मार्क्स क्या है इनकम टैक्स एंड 50 मार्क्स क्या है जीएसटी व्हाट वाज द चेंज इन द ओल्ड सिलेबस इट वाज 60-40 व्हाट वाज इट इट वाज 60-40 नाउ तो क्या इनकम टैक्स का फिर कुछ सिलेबस कट डाउन किया है क्या नहीं द सिलेबस इज द सेम इनकम टैक्स एंड इन जीएसटी बिकॉज दे एडेड 10 मार्क्स They've added three new chapters. So three new chapters have been added in GST. Okay, right. So we all know already taxation में 30 marks MCQ हुआ करता था. अभी भी 30 marks क्या है? MCQ है ही. But now you'll have 50 marks for income tax and 50 marks for GST. You have to write these answer papers separately. So section A is totally different and section B is totally different. ठीक है तो मैं आज पहले कैसे करने वाली हूँ टैक्सेशन इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू सो मैं पहले इसका क्या देने वाली हूँ आज आपको इंट्रोडक्शन सो फर्स्ट आई विल गिव यू अ इंट्रोडक्शन अबाउट द सब्जेक्ट देन अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ एंड हाउ वी आर गोइंग टू टीच आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ वी आर गोइंग टू लर्न क्या बुक्स होने वाली है हम क्या मेथड अप्रोच फॉलो करने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ठीक है नाउ टैक्सेशन ये काफी इंपॉर्टेंट और एक कोर सब्जेक्ट है Like if you're going to become chartered accountants, you have to know your taxation very very well. जब आप articleship start करोगे, आपका interview जो भी होगा वो tax के concepts पे पूछा जाएगा, accounts में से AS होंगे, audit में से कुछ सवाल पूछे जाएंगे, the standards and all. तो आपको ये knowledge जो है practically, when you start with articleship, you're going to start with return filing, tax calculation, किसी की tax liability calculate करना, absolutely आप इस ये सारा वर्किंग स्टार्ट करने वाले हो सो ऑल दिस इज गोइंग टू बी टोटली व्हाट इट इज अ प्रैक्टिकल टोटली प्रैक्टिकल कि जैसा हम क्लासरूम में सीखने वाले एज एंड हाउ हम जैसा क्लासरूम में सीखेंगे एग्जैक्टली वैसा ही हम लोग इसे ऑफिस में आप उसको यूज करने वाले हो सो व्हाट एवर आई टीच यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंटेड इन द ऑफिस करेक्ट नाउ ये जो सब्जेक्ट है इसकी क्या गहराई है और इसके बारे में क्या है मैं आपको बताती हूँ एक सेकंड ना यहाँ पे कुछ वॉइस कट वॉइस नॉट क्लियर हेमंत पका पर लैग कि वहाँ क्या होता है यहाँ तो ठीक आ रही है ना आवाज़ मैसेजेस बगा मैं फक्त हाँ ओके
आप सुन के लेना क्या हो रहा है, ये जो टैक्सेशन का सब्जेक्ट है इसकी गहराई कितनी है और इसका कलेक्शन कितना है, ये कितना इम्पॉर्टेंट यू नो टॉपिक है फॉर द एंटायर नेशन, इज समथिंग दैट यू नीड टू नो. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड, कोई आपको इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, व्हाट्स द पॉपुलेशन? हाँ, 140 करोड़. सो 140 करोड़ इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. हाउ मेनी पीपल आर फाइलिंग रिटर्न्स? फर्स्ट डू यू नो व्हाट इज रिटर्न फाइलिंग? यस, आपको रिटर्न फाइलिंग के बारे में क्या पता है? लेट अस अंडरस्टैंड. देखो, कोई भी जो पर्सन होता है, सपोज देयर इज अ सैलरीड पर्सन एंड दैट सैलरीड पर्सन इज सैलरीड पर्सन कुछ पैसे कमा रहा है, इज अर्निंग इनकम, उसको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा. तो पहले तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स के साथ उसको एक फॉर्म भरना पड़ता है एंड दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज द इनकम टैक्स रिटर्न. व्हाट इज दैट फॉर्म कॉल्ड एज बेटा? इनकम टैक्स रिटर्न. तो उसको एक फॉर्म भरना पड़ता है. जैसे कि अगर आप फाउंडेशन अभी पास कर दोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ेगा आईसीआई में. एक होता है फीस का पेमेंट करना और दूसरा होता है आईसीआई बोलेगी कि फॉर्म भर के दो, हमें तुम्हारे डिटेल्स चाहिए, तुम्हारा एड्रेस चाहिए, कहाँ रहते हो, बाकी के डिटेल्स चाहिए. तो वैसे ही इनकम टैक्स आपसे क्या चाहता है? इनकम टैक्स वांट्स यू टू पे द टैक्सेस प्लस फिल अप अ फॉर्म एंड दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज द आईटीआर. आईटीआर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटीआर? इनकम टैक्स रिटर्न्स. इनकम टैक्स रिटर्न्स, आईटीआर इज योर इनकम टैक्स रिटर्न. तो क्या मैम सबको ये भरना जरूरी है, कंपलसरी है? वही तो हम सीखने वाले. टैक्स कितना आता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीखने वाले. क्या हम टैक्स कुछ बचा सकते हैं, क्या टैक्स की चोरी कर सकते हैं, क्या? वो बाद में सीखेंगे, अभी नहीं. वो अभी नहीं, पहले टैक्स और एक्ट सीखो तो उसके साथ यू कैन प्ले अराउंड. उसको मरोड़ना है, उसके साथ खेलना है तो डू दैट आफ्टरवर्ड्स. बट फर्स्ट नो योर टैक्स वेरी वेरी वेल, एक्ट वेरी वेरी वेल एंड देन वील सी हाउ टू प्ले अराउंड, हाउ टू फाइंड आउट लूप होल्स. दैट्स एन अनदर पार्ट. बट पहले क्या जरूरी है? उसको समझना. आपको पहले अच्छे से समझ में आएगा तो आप उसमें लूप होल्स निकालोगे, राइट? सो व्हाट एवरी पर्सन हैज टू डू इज फाइल, पे द टैक्सेस. सो एवरी पर्सन हैज टू डू व्हाट? ही हैज टू पे टैक्स प्लस यू हैव टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न्स. तो एवरी पर्सन हु इज पेइंग टैक्सेस फाइल द रिटर्न्स विल हैव टू गो टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, गेट द वर्किंग डन, गेट द प्लानिंग डन, अंडरस्टैंड कि आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, क्या होने वाला है, तो मुझे समझ के लेना पड़ेगा. सो आई विल हैव टू गो टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. नाउ एनी गेस वर्क ऑन हाउ मेनी पीपल फाइल रिटर्न्स? 140 करोड़ इज द पॉपुलेशन. कुछ आप गेस कर सकते हो कि कितने लोग? 7 to 8%. हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक मस्ट बी ए गेस? आपको क्या लग रहा है कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में कितने लोग रिटर्न्स भरते होंगे? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ मेनी पीपल मस्ट बी फाइलिंग द रिटर्न्स? 10 करोड़, 12 करोड़, 2-3 करोड़, बस इतना ही आपको लग रहा है आउट ऑफ 140 करोड़? यस, yes, absolutely. Around 8 to 9 crores of people are filing the returns. Not more. Around 8 to 9 crores of people are filing the return. और पता है, ये return filing का number भी demonetization के बाद increase हुआ. Demonetization के बाद से 1 crore लोग ज़्यादा, additional 1 crore people started filing the returns. Till then, maybe they were not declaring their income, not paying the taxes, not filing the returns, not filing any form, nothing. So out of 140 crores of population, we have around 7 to 8% of population which is filing the returns. Ye returns bharne ke liye kitne chartered accountants hai? How many chartered accountants? 3 lakhs. So are we having a demand of chartered accountants? Definitely. So are we in demand? Yes, we are. So there's a tremendous requirement of chartered accountants for doing this filing work. And not only filing, income tax work, consultation work, lot of startups are starting. So all this consultation ke liye kahan jayenge hum? We'll be going to a chartered accountant. Samajh mein aa raha hai aapko? Yes. So income tax return jo log bharte hai, uski sankhya maine aapko bata di. Ab hum ek cheez samajhte hai ki jo direct aur indirect tax hai, iska collection kitna hota hoga? Just know ki hum tax pay karte hai, ye kiske paas jata hai?
हम पेमेंट करते हैं और ये कमाता कौन है? गवर्नमेंट. इट्स गवर्नमेंट्स रेवेन्यू. सो एनी गेस ऑन हाउ मच शुड बी द कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड हाउ मच इज द कलेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्स में विल बी लेस देन इनडायरेक्ट टैक्स. ओके यस. इनिशियली डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज्यादा होता था और इनकम इनडायरेक्ट टैक्स यहां था. अब धीरे 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 ये क्या होते जा रहा है? इक्वल. एंड स्लाइटली इनडायरेक्ट टैक्स इज गोइंग स्लाइटली अबाउ रफली रफली कुछ भी करके 1 lakh crores इज अ मंथली कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड 1 lakh crores इज अ मंथली कलेक्शन ऑफ जीएसटी. ये बहुत कम है 1 lakh crores, ये तो 1.5 lakh crores क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी. सो 1 lakh crores इज अ कलेक्शन ऑफ जीएसटी, 1 lakh crores इज अ कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स मिनिमम. एटलीस्ट वी आर हायर देन दिस, ऑलरेडी हायर देन दिस, मच हायर देन दिस. सो आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसकी गहराई को समझो कि इट इज सच अ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, इट हैज सच अ वास्ट इंपॉर्टेंस फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री ऑल्सो. मोर सो आई टेल यू वन थिंग, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द कोर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लव द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टैक्स, अंडरस्टैंडिंग टैक्स, इम्प्लीमेंटिंग इट, यूजिंग इट फॉर योर कंसल्टेशन, बिकॉज बॉस यू हैव टू अर्न मनी आउट ऑफ दिस प्रोफेशन ओनली. सो यू हैव टू एन्जॉय द लर्निंग प्रोसेस rather than टेंशन लेना चाहिए कि अरे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. ऐसा नहीं, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है आपको, ये प्रोसेस क्या करना है पूरा एन्जॉय करना है. समझ में आ रहा है सबको? यस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो टैक्सेशन, अभी मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ. सो आई एम सी ए पूजा कामदार दाते. आई हैव क्वालिफाइड इन द ईयर 2002. सो आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 21 years. I am a practicing chartered accountant for last 21 years. So I am practicing, a full-time practicing chartered accountant. I have my office in Model Colony and I have been teaching taxation for the last 21 years. Okay. Now, I was a science student, 11th, 12th, and after my 11th and 12th, I decided to shift to commerce. My dad was a tax consultant. He is still into practice with me. So it was at that time I decided, actually mujhe doctor banna tha, but my marks were not that great. So I was like, theek hai, abhi main, I'll shift to commerce and let's see, I'll try and make a career here. And then foundation, of course, I cleared, and then inter and final, I was a rank holder. So in intermediate, I had 25th rank, and final, I got rank 33. So, and since then, I'm into teaching and practicing, right? So, with so many years of experience, I'll tell you one thing for sure, ki tax padhte waqt bahut zaruri hota hai ki iski logic samajhna, ki yaar, क्यों ये प्रोविजन आया, क्यों ये प्रोविजन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, ये जानना बहुत जरूरी है. जब आप ये जानोगे ना, तब आपको वो प्रोविजन याद अच्छे से रहता है. देन यू रिमेंबर दैट प्रोविजन वेरी वेरी प्रॉपरली. सो यू रिमेंबर कि ठीक है, क्यों ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया, गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन था उसके पीछे, एंड दैट इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट प्रोविजन इवन बेटर. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द व्हाई, कि क्यों ये इंट्रोड्यूस हुआ, उसका रीजन क्या है, हम ये सब समझने वाले हैं. इनफैक्ट आई विल शो यू अ पीपीटी वेयर आई विल जस्ट डिस्कस विथ यू. Second, I'll just see if it's here right now. Otherwise, I'll show it to you on that afterwards. अच्छा, मुझे before I discuss or show you the PPT, let us just understand. क्या आप लोग taxpayers हो क्या? नहीं? तुम लोग taxpayers हो? अच्छा, क्या pay करते हो? तुम कौन सा tax pay करते हो? Yeah, you all are taxpayers. You all are पेइंग टैक्सेज वेन यू बॉट सम स्टेशनरी. आपने खाना ऑर्डर किया होगा, आपने स्विगी जोमैटो से खाना ऑर्डर किया होगा, आपने कुछ शॉप this you have paid taxes. So you all are taxpayers. Of course kamai nahi hai, income nahi hai, isliye income tax nahi hai, but GST to definitely aap sab pay kar rahe ho. So you are all taxpayers already. So you are already contributing in the nation building, right? Now tell me one thing, why do we have to pay taxes? Why do you think, kya reason kya ki kyu tax pay karna zaruri hai, aapko kya lagta hai? आप बोलते जाओगे तो मैं लिखती जाऊंगी. आपको क्या लगता है कि टैक्स क्यों पे करना चाहिए? लेट्स हैव अ इंटरएक्टिव सेशन. इवन द लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स कैन टेल मी व्हाई शुड वी पे टैक्सेस. हाँ,
गवर्नमेंट इनकम, परफेक्ट. अच्छा बाय द वे, यहाँ पे कितने फाउंडेशन से है स्टूडेंट्स, मतलब फाउंडेशन आपने अभी दिया है एग्जाम, ओके, एंड हाउ मेनी डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स, ओके, सो इट्स अ गुड नंबर, इक्वल, फाइन, ऑल राइट. सो हियर टेल मी वन थिंग कि वाई वाई इज टैक्स सो इम्पोर्टेंट, कि गवर्नमेंट क्यों लेती है टैक्स, क्यों लेती है? नेशन का डेवलपमेंट होगा, जो मेट्रो का काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, ये बात अलग है कि उनकी क्या कंडीशन है वो अलग बात है, बट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, यू हैव रोड्स, यू हैव रेलवेज एंड ऑल दिस दैट इज हैपनिंग, ये किसके पैसे से आ रहा है, कहाँ से इसका खर्चा हो रहा है? दिस इज ऑल फ्रॉम टैक्स पेयर्स मनी. सो दिस इज ऑल हैपनिंग फ्रॉम द टैक्स पेयर्स मनी. तो टैक्स लेवी कौन कर रहा है? आर यू श्योर गवर्नमेंट? अच्छा गवर्नमेंट, डू यू नो हमारे यहाँ गवर्नमेंट का क्या सिस्टम होता है? स्टेट गवर्नमेंट है और सो यू हैव सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यू हैव स्टेट गवर्नमेंट. मैंने एक और वहां पे मार्क किया है, वो क्या होगा? लोकल अथॉरिटी. देयर इज अ लोकल अथॉरिटी. सो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट ये जो गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, इट इज अ थ्री टायर सिस्टम. क्या है ये? थ्री टायर बोलूँ या टीयर सिस्टम? टीयर. सो इट इज अ थ्री टीयर सिस्टम. हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो कैसा है? थ्री टीयर सिस्टम. वी हैव अ स्टेट गवर्नमेंट, वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वी हैव अ लोकल अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटीज लाइक द पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दैट्स अ लोकल अथॉरिटी, करेक्ट? वो लोग भी टैक्सेस कलेक्ट आपसे क्यों कलेक्ट करते? प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करते, दे कलेक्ट सम टैक्सेस फ्रॉम यू. व्हाई? गार्बेज कलेक्शन होता है, रोड्स का मेंटेनेंस होता है, देन वाटर सप्लाई होता है, ये सब किसका काम है? किसका काम है? लोकल अथॉरिटी का. Then there's state government and there's central government. So we have a three tier system. अब क्या है आगे? ये जो tax है, ये why do we have taxes? So that to meet the expenses of government. Tax क्यों लगाया जाता है? To meet the expenses of the government. बराबर? अब taxes लगाया जा रहा है ना, who can collect the taxes? Who? Government can collect the taxes. But government can collect the taxes only if they are given powers by the constitution. How can government collect taxes? Only if they are given powers by the constitution. So if the constitution of India gives powers to the government, only then the government can levy and collect taxes. So अब क्या होता है, अगर हम मान के चले अभी जैसे कोविड आ गया, राइट ना, कोविड में या इवन बिफोर कोविड, अरविंद केजरीवाल जो है उसने क्या कर दिया, उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि सब कुछ फ्री है. कोविड के पहले उसने क्या बोल दिया था? मेट्रो फ्री है. एक सेकेंड, आई विल जस्ट ओपन दैट फाइल. सी नाउ व्हाट इज दिस इमेज इंडिकेटिंग? व्हाट इज दिस इमेज इंडिकेटिंग? इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो मोदी जी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और केजरीवाल स्टेट गवर्नमेंट. सो दिल्ली स्टेट है ना, तो दैट्स केजरीवाल एंड मोदी जी इज इंडिया. सो दैट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली. नाउ मोदी जी के मन में है वो टैक्स वो लेवी कर देंगे, केजरीवाल को जो टैक्स चाहिए वो लगा लेंगे, ऐसा चलता है क्या? दे बोथ हैव टू डिराइव पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. अब मोदी जी बोलेंगे कि मैं इनकम टैक्स लगाता हूं, फिर केजरीवाल बोलेंगे ठीक है मुझे भी लगाना है इनकम टैक्स, तो चलेगा क्या? नहीं. यू हैव टू नो एंड अंडरस्टैंड कि कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लगाने वाली है और ये कौन डिसाइड करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन. सी मैं टैक्स के एकदम बेसिक में जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट, मे बी वील स्टार्ट टुमारो और डे आफ्टर द एक्चुअल टैक्सेशन. अब ये बेसिक जानना बहुत ही जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, मोदी जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और केजरीवाल जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट है कि नहीं? ना केजरीवाल अगर बोलते मैंने सब कुछ फ्री दे दिया, पूरा दिल्ली का ट्रेजरी खाली, पैसे ही नहीं है, फिर वो बोलते कि चलो अब मैं केजरीवाल टैक्स लगाता हूं, तो चलेगा क्या? नहीं. वो जो आपको टैक्स लगाना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होना चाहिए. आपके मन का कोई भी टैक्स लेवी नहीं कर सकते. और एक बात कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को बोल दी है कि मोदी जी अगर आपको कोई टैक्स लगाना है, इट विल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया, और केजरीवाल को अगर कोई टैक्स लगाना है तो इट विल अप्लाई ओनली विद इन द स्टेट. नाउ केजरीवाल कांट कम एंड लेवी टैक्सेस इन महाराष्ट्र, ही हैज नो पावर्स हियर.
केजरीवाल कांट कम एंड लेवी टैक्सेस इन महाराष्ट्र. सी अंडरस्टैंड, आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम द बेसिक हु व्हाई व्हेन ऑफ एवरीथिंग ऑफ द टैक्सेशन. सो टैक्स में पहला विषय क्या है, टैक्स में पहला विषय क्या है कि टैक्स लगाना ही क्यों चाहिए, क्यों लगाना चाहिए एवरीबडी क्यों टैक्स लगाना चाहिए, टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट. उसके बाद टैक्स लगाता कौन है, गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने में कितने पार्ट्स है, थ्री टीयर सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, इज दैट क्लियर. अब कौन सा टैक्स कौन लगाएंगे, जो टैक्स लगा सकते हैं, इट विल अप्लाई ओनली टू द स्टेट. दैट्स वेरी क्लियर. केजरीवाल सिटिंग इन दिल्ली कांट कम हियर इन महाराष्ट्र एंड लेवी सम टैक्स. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस. नाउ व्हाट हैपेंस इज, लेट्स टॉक अबाउट इनकम टैक्स. इनकम टैक्स कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में आता है. किसके लिस्ट में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट. माने पूरे भारत में आप कहीं पे भी पैसे कमाओ, आप किसी भी स्टेट में रहो, वी हैव ओनली वन इनकम टैक्स एक्ट. सो वेदर यू अर्न मनी हियर इन महाराष्ट्र, यू अर्न मनी इन जम्मू एंड कश्मीर, यू अर्न मनी एनी वेयर इन एनी स्टेट, यू हैव टू पे द सेम इनकम एंड द सेम टैक्स बेसिकली. मतलब द सेम इनकम टैक्स एक्ट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल. आपको सेम इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है. मतलब मैं महाराष्ट्र में हूं तो मेरे लिए इनकम टैक्स के रूल्स अलग, रेट अलग. फिर कोई गुजरात में तो उधर रेट्स कम है, तो सब लोग जाके वहां गुजरात में ही बिजनेस करेंगे और वहीं से पैसे कमाएंगे तो चलेगा क्या? सी थोड़ा लॉजिक से जाओ. तुम सीए कर रहे हो, तुमको ये बेसिक चीजें है जो मालूम होना जरूरी है. The field that you have selected is such a field that it requires you to be updated. You need to know about what's happening in the world, what's happening in the economy. So, यहाँ जो मोदी जी जो टैक्स लगा सकते हैं तो उनकी लिस्ट में आ गया इनकम टैक्स. भाई नाम से क्या पता चल रहा है, इनकम टैक्स के नाम से क्या पता चल रहा है, इट्स अ टैक्स ऑन इनकम. नाम से पता चल रहा है ना, वॉट इज इनकम टैक्स, इज टैक्स ऑन इनकम. इट्स अ टैक्स ऑन इनकम. तो मैम फिर केजरीवाल जी क्या टैक्स लगाएंगे? तो केजरीवाल जी को एक टैक्स दिया गया है, जैसे एक वैट करके पहले टैक्स हुआ करता था जीएसटी आने से पहले. अभी एक चीज बताना, जीएसटी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है, जीएसटी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है, पेट्रोल. आज भी क्या बोल रहे लोग, ये तो आपने कहीं पेपर वगैरह में सुना ही होगा ना कि आज पेट्रोल पे जीएसटी लगता है क्या, नहीं लगता है क्या, नहीं. तो हम आज अगर पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगाते तो हम क्या लगाते हैं, वैट. वैट कौन लगा सकता था, स्टेट गवर्नमेंट. वैट किसकी लिस्ट में है, स्टेट गवर्नमेंट. अंडरस्टैंड, वैट किसकी लिस्ट में है, स्टेट गवर्नमेंट. हाँ मैम, वैट के बदले अभी क्या आ गया, जीएसटी. जीएसटी सब चीजों पे आ गया. जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो जब मैं आपको जीएसटी भी पढ़ाना चालू करूंगी तो मैं आपको बोलूंगी कि क्यों जीएसटी क्यों आया, ऐसी उसमें जीएसटी लेके आने का रीजन क्या था, ये मैं आपको सिखाऊंगी. बट लेट्स अंडरस्टैंड, वैट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स. ये जस्ट एक सेल्स टैक्स के क्या है, इट इज जस्ट लाइक सेल्स टैक्स. व्हाट हैपेंस, व्हाई इज इट जस्ट लाइक सेल्स टैक्स, मतलब कुछ बेचने पे टैक्स लगता है. तुम गुड्स बेचो, टैक्स लगेगा. अब कुछ भी बेचो तो जीएसटी लगता है. ओहो, कुछ भी बेचो तो क्या लगता है, जीएसटी लगता है. सिट स्ट्रेट बेटा, सिट स्ट्रेट, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट एंड आई कॉन्टेक्ट विथ योर टीचर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यस. सो यहां समझ लो, लैग होता है क्या हेमंत, लैग से मैसेजेस ये था. ओके, सो जस्ट लाइक सेल्स टैक्स है जीएसटी. अब जीएसटी किन चीजों पे नहीं है, जीएसटी आपको पता है कौन सी चीजों पे नहीं है, पेट्रोल पे नहीं है, और वो तो एग्जाम वो अलग बात हो गई. कुछ चीजों पे एग्जाम्ट है, लिकर पे नहीं है, लिकर पे जीएसटी नहीं है और पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है. तो पेट्रोल पे क्या लगेगा, वैट लगेगा. तुमको पता है पेट्रोल के प्राइसेस सब जगह अलग है, कभी पूछा सोचा क्यों अलग है, क्योंकि उस पर भाई साहब वैट लगता है और वैट के रेट्स हर स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड करता है. क्योंकि वैट के जितने स्टेट्स हैं
उतने एक्ट्स है, लेकिन इनकम टैक्स का एक ही एक्ट है, क्योंकि इनकम टैक्स इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वैट इज लेविड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट. महाराष्ट्र महाराष्ट्र के अंदर वैट लगाएगा, दिल्ली का गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर लगाएगा, बिहार में बिहार का वैट लगेगा. सो जितने स्टेट है उतने वैट टैक्स है क्या मैम? हाँ. अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस बिटवीन कौन सा टैक्स सेंट्रल की लिस्ट में आते हैं और कौन सा टैक्स स्टेट की लिस्ट में आते हैं. ये किसने डिसाइड किया है? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ये डिसाइड हो चुका था. सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिसाइडेड विच टैक्स विल बी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, विच टैक्स विल बी लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट. तुमको समझ में आ रहा है क्या? पक्का समझ में आ रहा है? यस. सो ये तो हमारा हो गया ओवरऑल. अभी सिर्फ तुमको ये शब्दों मतलब इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि क्या हुआ था, क्या चल रहा है, कि एक टैक्स सेंट्रल लगाएगा, एक टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा. हम पूरी लिस्ट पढ़ने वाले हैं कौन से टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकते हैं और कौन से टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगा सकते हैं. जीएसटी का क्या सीन है तुमको पता है? जीएसटी में क्या होता है? जीएसटी इज टीटीएमएम. क्या? टीटीएमएम. व्हाट इज जीएसटी? टीटीएमएम. तेरा तू मेरा मैं. जीएसटी आप जब भी देखना, आप कुछ भी यहाँ पे खरीदोगे, होटल में जाओगे, स्विगी से कुछ ऑर्डर करोगे, तो देर आर टू जीएसटी के टैक्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. देर इज सी जीएसटी एंड एसजीएसटी. देर इज सी जीएसटी एंड देर इज एसजीएसटी. सो यू हैव सी जीएसटी एंड यू हैव एसजीएसटी. हाफ हाफ 50-50 करते हैं, तेरा तू मेरा मैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास 50% जाएगा. क्यों मैम? अरे बहुत जरूरी है. आपको पता है डिफेंस ये किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. हेल्थ एजुकेशन दोनों में आता है, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी. हर स्टेट को कुछ जवाबदारी दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको ये फलाना फलाना खर्चे करने हैं. वो कहाँ से खर्चे करेंगे? टैक्स की कमाई से. कहाँ से खर्चे करेंगे? टैक्स की कमाई से. बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज आपको बताती हूँ. हेमंत माला तलाला वना कॉड की माइज डी एम आई. मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक वीडियो है जो हम देखेंगे तो आपको समझेगा कि ये जो टैक्स है कितना अभी चेंज हो रहा है, कितना डिजिटलाइजेशन का जमाना आ गया है एंड हाउ वी हैव टू चेंज एज पर द टाइम्स. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ टैक्स, यू नो, पहले क्या होता था, हम डिपार्टमेंट में जाके ऑफिसर से मिल के आते थे कि सर कर दो ना, कुछ हो जाएगा एडजस्ट, देखो ना, देयर वाज करप्शन. टुडे यू कांट डू दैट. एवरीथिंग इज ऑनलाइन. देयर एवरीथिंग इज ऑनलाइन. सो आई विल जस्ट शो यू अ वीडियो. माला ऑक्स केबल देता है. ओके, सो टू मिनट्स वी विल जस्ट ही गेट द ऑक्स केबल. मीनवाइल बिफोर आई शो यू द वीडियो, ऐसे क्या क्या इवेंट्स है जो आपने आपके लाइफ टाइम में देखे, जो बहुत बढ़िया से इवेंट्स थे, बेंचमार्क इवेंट्स जो हुए हैं, ऐसे कुछ इवेंट्स आपने इन कुछ सालों में देखे हैं? डीमोनिटाइजेशन. सो वॉज इट समथिंग वेरी डिफरेंट थिंग एंड इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एवरी नाउ एंड देन? फिलहाल तो ऐसा छोटा सा डीमोनिटाइजेशन टाइप ऑलरेडी अनाउंस हुआ है. क्या है? 2000 की नोट किसके पास है? 2000 की नोट है आपके पास? नहीं है, नहीं है. तो पहले क्या अनाउंस? अच्छा ठीक है, आप बोलो, मैं एक एक चीजें लिखती हूँ. पहले क्या हुआ है? डीमोनिटाइजेशन. डीमोनिटाइजेशन और क्या है? कोविड. किसी ने इमेजिन नहीं किया था कोविड होगा और लॉकडाउन होगा इस प्रकार का. और क्या? व्हाट एल्स? व्हाट एल्स हैव यू ऑल नोटिस्ड? अच्छा, यू ऑल कैन सी, आई एम नॉट राइटिंग इट हियर, ओके, द स्क्रीन. क्या क्या हुआ है? डीमोनिटाइजेशन और कोविड, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन 2017 में. आफ्टर इंडिपेंडेंस जीएसटी एक फर्स्ट टाइम ऐसा टैक्स आया है जो इम्प्लीमेंट हुआ है. टैक्सेस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए थे. जीएसटी वॉज द फर्स्ट टाइम अ टैक्स रिफॉर्म हैज कम आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो जीएसटी आपने इम्प्लीमेंट होते देखा है, आपने कोविड इम्प्लीमेंट होते देखा है, डीमोनिटाइजेशन देखा है. 2000 की नोट आपको 30 सितंबर के पहले जमा कर देना है. आर्टिकल 370 डिलीट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन से. आपको पता है आर्टिकल 370 क्या था? यस, समथिंग रिलेटिंग टू जम्मू एंड कश्मीर. तो धीरे 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 आई विल कम टू इट. आई हैव लॉट्स ऑफ स्टोरीज टू शेयर विथ यू. आई कांट टेल यू एवरीथिंग इन द फर्स्ट गो. आई हैव टू गो स्लो एंड स्टेडी, क्योंकि टैक्स आपके लिए टोटली न्यू है. तो अच्छा, आपको क्या लगता है डीमोनिटाइजेशन सक्सेस था क्या? व्हाट डू यू थिंक?
डोंट गिव मी अ डिप्लोमेटिक आंसर फॉर सम यस एंड सम नो. यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि इज वॉज डिमोनिटाइजेशन अ सक्सेस. क्या था? नॉट कंप्लीटली. व्हाट वॉज द इंटेंशन ऑफ डिमोनिटाइजेशन? अच्छा, ब्लैक मनी. व्हाट इज ब्लैक मनी? व्हाट इज ब्लैक मनी? जो मनी हमने रिकॉर्ड नहीं किया है. अच्छा, मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या, ब्लैक मनी मतलब कैश? नॉट ऑलवेज. इफ यू कम हियर एंड गिव मी द कोचिंग फीस इन कैश, आई टेक इट इन कैश, आई गो एंड कीप इट इन माई हाउस, आई डोंट टेक इट टू माई ऑफिस, आई डोंट पुट इट इन टू माई बैंक एंड आई स्पेंड द मनी, दैट वॉज ब्लैक मनी. आई डिडंट रिकॉर्ड इट इन द बुक्स. बट इफ यू गिव मी योर कोचिंग फीस इन कैश एंड आई टेक इट एंड आई गो टू द ऑफिस नेक्स्ट डे एंड आई डिपॉजिट इट एंड आई टेल माई अकाउंटेंट पुट इट डिपॉजिट इट इन टू द बैंक, देन दिस इज नॉट ब्लैक मनी. मतलब आपका एक मिसकंसेप्शन होता है. क्या मिसकंसेप्शन होता है? कि कैश मतलब ब्लैक मनी, ऐसा जरूरी नहीं है. ब्लैक मनी इज मनी विच हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर. यू आर नॉट रिकॉर्डेड एंड नॉट शोन एज योर इनकम. आप कमाई दिखाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा, आप कमाई नहीं दिखाओगे तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा. दैट्स ब्लैक मनी. सो कैश डज नॉट मीन ब्लैक मनी. सो गवर्नमेंट थॉट बहुत ब्लैक मनी है तो डिमोनिटाइजेशन कर लेते. लगभग जितनी करेंसी सर्कुलेशन में थी, कैश, आरबीआई भी एक बैलेंस शीट बनाती है अपनी, तो उनके पास जितनी कैश की करेंसी थी उतनी ही वापस उनके पास आ गई. उनको लगा था कुछ एक्स्ट्रा आएगा. लोग बोलेंगे वैसे भी अभी ये करेंसी चलने नहीं वाली है, चलो बैंक में डिपॉजिट ही कर देते, अपने को पैसे आ जाए, मतलब वील एटलीस्ट गेट अ मनी बैक. सो गवर्नमेंट थॉट कि लोग अपना इनलीगल इनकम ब्लैक मनी डिक्लेयर करेंगे, उस पर टैक्स पे करेंगे और फिर डिमोनिटाइजेशन सक्सेस होगा. बट हुआ ही नहीं. द अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी दैट वॉज डिक्लेयर ड्यूरिंग डिमोनिटाइजेशन वॉज वेरी वेरी नॉमिनल और उसके जगह पे जितनी तकलीफ लोगों को झेलनी पड़ी वो बहुत ज्यादा थी. हाँ, लेकिन डिमोनिटाइजेशन का एक फायदा हुआ और वो क्या, कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इंक्रीज बाय 1 करोड़. 1 करोड़ से टैक्स पेयर्स इंक्रीज हो गए. उनको डर लगने लगा कि मोदी जी है तो कुछ भी हो सकता है, नको टैक्स की चोरी नहीं, कुछ नहीं, जो कमाई है चुपचाप दिखा दो. अब भी हुआ ना, 2000 की नोट तो वापस बोल रहे ना, दे दो. सो दैट इज हाउ देयर इज अ फियर. सो एटलीस्ट आफ्टर दैट इतना डिजिटलाइजेशन हो गया और डिजिटल पेमेंट, आजकल तो QR कोड सबके पास है कि नहीं? Everybody is having a QR code. So nowadays people are preferring digital transactions. So एक just हम क्या करते हैं, ये एक video है, one second ना, volume है, मत एक दा volume बगा बरा. चलो है, अरे यार आज क्या वीडियो भी नहीं होगा क्या? प्ले. Awareness and tax culture. Wait, I'll just start it from the beginning. Volume कम करो थोड़ा. हम चले हैं साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, कदम से कदम मिलाकर देश के विकास के हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा रहे हैं आयकर दाता, और हर बार बेहतर होती सेवाओं से आयकर दाताओं के लिए कर व्यवस्था को मजबूत कर रहा है आयकर विभाग. 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास, 2019 में सबका विश्वास और 2021 में सबका प्रयास का मूल मंत्र दिया, जो भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है. और आजादी की अमृत वेला में विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर चल पड़ा है
हमारा देश। To realize this vision of the Honorable Prime Minister, the Income Tax Department, under the guidance of Honorable Finance Minister, has embarked on a mission of simplification, rationalization, and digitization to make tax compliance simpler. Such initiatives include mobile services like Aayakar Setu, Vivad Se Vishwas Scheme, in order to amicably resolve taxpayer disputes. Three major reforms to honor the honest taxpayers of the nation and to increase the transparency in taxation. A series of litigation management measures to facilitate ease of tax compliance. CPC 2.0 for faster processing of returns and to cater to the growing numbers of... What is the CPC 2? Is a central processing center. It's in Bangalore. आजकल रिटर्न्स जो होता है ना, फॉर्म भरना होता है ना, पहले हम मैन्युअली जाके फिलअप करते थे, अब क्या हो गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। सो वी हैव सीपीसी, एक आपने रिटर्न भर दिया, इमीडिएटली उसका प्रोसेसिंग होगा, वो करेक्ट है करेक्ट नहीं है, आपके आपको और टैक्स देना है तो वो तुरंत आपको नोटिस आ जाती है। सो इट्स वेरी फास्ट नाउ, इट्स नॉट मैन्युअल, वी डोंट हैव पीपल, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड, यू कैन जस्ट वॉच टैक्सपेयर्स प्रीफिल्ड रिटर्न्स to further smoothen taxpayers' experience while return filing. Annual information system for a comprehensive view of an entity's tax-related information. And ITRU, which provides a window of 2 years after the end of the assessment year to easily update returns. With these facilitation measures in place, the department is heading towards becoming a truly taxpayer-centric administration. Through extensive use of artificial intelligence and data analytics in its core processes. Inspired by the vision of Atmanirbhar Bharat, rationalization of tax rates have been done to provide a boost to the manufacturing sector and flagship programs like Make in India and Startup India. India today has one of the most competitive tax rates in the world. Aimed at strengthening the trust between government and industry, retrospective taxation measures were done away with, and India is also working to implement international best practices by being actively involved in the efforts to tackle base erosion and profit shifting. Undeterred by the pandemic and its impact on global economy, the Income Tax Department saw the highest ever collection of direct taxes till date at rupees 14,09,000 crores in financial year 21-22. And robust growth continues in tax collection during financial year 22-23. Efforts of the department to widen tax base have also shown results, as the number of returns filed during financial year 21-22 stood at 7 tak pahuncha rahe hain. Aayakar da. So kitne taxpayers main aapko dikha rahi thi, returns kitne logon ne file kiya. So that's what we were seeing, how many people have filed. This was the tax collection. राइट, सो आई टोल्ड यू रफली अराउंड एनीवेयर बिटवीन 1 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन मंथली होता है, मतलब 12 लाख करोड़ का कलेक्शन मिनिमम, द इयर्स इट कैन वेरी, सो समटाइम्स इट्स 14 लाख करोड़, सो इट इज गोइंग टू गो ऑन इंक्रीजिंग। नाउ लुक एट द नंबर ऑफ, एंड रोबस्ट ग्रोथ कंटिन्यूज इन टैक्स कलेक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23। एफर्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट टू वाइडन टैक्स बेस हैव ऑल्सो शोन रिजल्ट्स, as the number of returns filed during financial year 21-22 stood at 7.14 crores against 6.97 crores in the preceding year. During financial year 22-23, 6.22 crore returns were filed till 17th September 2022. The Income Tax Department strives to create new benchmarks every year in return filing experience. The department had set up help desks, war rooms and deployed monitoring tools and alert management systems, which led to the creation of several new records in the 2022 filing season. Consequently, the highest ever rates of return filing were seen this year, culminating a record highest 72.4 lakh ITRs filed in a single day, and the highest per hour rate of ITR filing at 5,17,000 returns. Also, out of the 5.58 crore e-verified returns,
More than 93% ITRs were processed by 17th September 2022 and refunds amounting to Rs 1.35 lakh crore were issued till 17th September 2022, higher by 83% over the corresponding period in the preceding year. The effort of the department to incorporate technology in its core processes, while also hand-holding the taxpayers on its portal and social media handles, has benefited the taxpayers. The Income Tax Department has reached out to the smallest of the taxpayers in the remotest part of the country through various outreach programs, including Mulaqat in Jammu, Kashmir and Ladakh, and NER Converses in the northeastern region. Another outreach initiative is Samvad, where interactive chat sessions are held on topics relevant to taxpayers, tax professionals, business and the Aaykar Parivar. We are also reaching out to the taxpayers of today and the taxpayers of 2047 to build tax awareness and tax culture. In a first for the department, Union Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman recently launched a series of board games and comic books to spread tax awareness in a fun manner. Azadi ke Amrit Mahotsav par, Desh ke Amrit Kaal mein, Aaykar Vibhag Purn Pratibaddhata se apna daitva nibhane ka vachan deta hai. Naye Bharat ko nayi unchaiyon par le jane ke liye, purn prayason ke saath, Desh Nirman mein mahatvapurn yogdan dete hue, swayam ko unhe samarpit karta hai. This was a video prepared by whom? Income Tax Department. So you see, this was the video prepared by Income Tax Department. So what do you see? Are they applying technology? Very much. So if you are not going to be technically strong, it is not going to be okay. Technologically strong, you have to be. Everything is going to be technology driven. The ITR returns we file is online. You have to be computer and tech savvy to be able. You have to know your taxes, plus you have to apply all these things. Every time in the lectures, I'm going to log into the income tax website. I'm going to show you the number of returns. I'm going to show you how the return filing is done. So this is how we are going to learn and understand this practically with lot of cases like this. So to start with, I wanted to tell you कि ये जो taxation है, इसमें आपको technology भी आना बहुत जरूरी है. आपको सारी चीजें नहीं समझी होंगी, लेकिन क्या चीजें समझी उस वीडियो में से? कि taxpayers का number आपको समझ में आ गया, income tax का collection समझ में आ गया, कि आजकल income tax का कुछ भी काम होता है तो income tax office में जाना नहीं पड़ता है. कहाँ से काम होता है? Website से काम होता है. Everything happens online. Correct? So that is very important that everything is happening online. We are using lot of software and technology. Income tax ko already pata hai. Aap aapke bank account mein kitne paise jama karte ho? Aap aapke bank account se kitni cash withdraw karte ho? They know the amount of cash you deposit. They know the amount of cash you withdraw. They also, you buy a house, they'll send you a letter, you know, आपकी जन्म कुंडली इनकम टैक्स के पास होती है. यू हैव टू गो क्लिक एंड ओपन एंड सी व्हाट ऑल इनकम टैक्स नोज अबाउट यू. जैसे आपको आईसीआई एक डब्ल्यूआरओ नंबर देती है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर, वैसे ही टैक्सपेयर को एक पैन दिया जाता है. पैन इज परमानेंट अकाउंट नंबर. मेरा रोल नंबर है वो विथ इनकम टैक्स. आपका कैसे रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है विथ ICAI, like that, all the taxpayers have to get themselves registered with income tax. You log in the site, you put in your PAN, and income tax will tell you, आपने इस साल में इतने amount का घर खरीदा, आपने आपके bank account में इतना cash deposit किया, आपने credit card के through 20 लाख का खर्चा किया. मैम, हाउ डू दे नो? उन्होंने फ्रेंड्स बना लिए, टाइप कर लिया है विद क्रेडिट कार्ड कंपनीज, विद बैंक्स, और सब जगह आपका पैन चला जाता है और इनकम टैक्स वो सारा डेटा इकट्ठा कर रही है. एंड सो दे कैन अवॉइड एंड सी, ट्राई एंड फाइंड आउट पीपल हु आर अवॉइडिंग टैक्सेस, टैक्स की इवेजन, जो चोरी कर रहे हैं. मेरी ऑफिस में 3 से 4 क्लाइंट्स इसकी वजह से आए ऑफिस में कि उनको नोटिस आ गई कि आपने आपके बैंक अकाउंट में 30 लाख कैश भर दिया, बट आपने आपका रिटर्न नहीं भरा,
कुछ पैसे नहीं दिए, ये कहाँ से आए आपके पास पैसे? ऐसी नोटिस गई उनके पास, वो नोटिस लेके आए मेरे ऑफिस में और बोले कि मैम ये नोटिस आई है, अब क्या करूँ? तो अब क्या करूँ, आपको ये 20 से 30 लाख कहाँ से आई है एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये आपकी कमाई हुई थी और आपको लग रहा है कि मैं बैंक में डालूंगा, क्या ही इनकम टैक्स को पता चलेगा? ऐसा नहीं है. दे टेक डेटा फ्रॉम बैंक्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, यू बाय बॉन्ड्स, यू बाय शेयर्स, दे हैव अ टाई अप विथ एवरीबडी एंड दे गेट अ डेटा कि इस व्यक्ति ने क्या क्या किया और क्या नहीं किया. तो बहुत संभल के आपको आपके क्लाइंट्स को एडवाइस देनी पड़ती है. तो ये जो भी चीजें हो रही है पहले नहीं थी, दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन इनकम टैक्स. सो फर्स्ट अगेन क्विकली लेट जस्ट ब्रीफ, जस्ट राइट डाउन अ फ्यू थिंग्स, अनदर 10-15 मिनट्स. आई नो यू ऑल आर वेरी टायर्ड सिंस मॉर्निंग, एकदम फर्स्ट डे पे बहुत ज्यादा ज्ञान और बहुत ज्यादा डोज हो गया है. रेडी? आपने बुक्स ले लिया, आपकी नोटबुक ओपन कर ली. चलो एवरीबडी विल राइट डाउन. ऑफ कोर्स इट्स अ प्री रिजल्ट बैच, पोस्ट रिजल्ट देयर वुड बी अनदर बैच वेयर वी विल मर्ज, वी विल डिसाइड हाउ इट हैज टू बी मर्ज. वी मे बी अ टॉपिक इंट्रोडक्शन पार्ट आई हैव टू टेक अगेन विद देम. अपन एक हाथ चैप्टर, अभी अपने को कितना टाइम मिलता है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच टाइम वी हैव टिल द रिजल्ट डेट्स, राइट? यस. सो राइट डाउन इन द नोटबुक, हु कैन लेवी टैक्स. फर्स्ट थिंग, हु कैन levy tax? बेसिक लेना पड़ेगा सबके लिए रिजल्ट आने के बाद, बट एक हाथ अगर और आगे का चैप्टर जैसे हो गया तो वो उनके साथ में बाद में लूंगी, आखिरी में ऐसा होता है. बट बेसिक कॉन्सेप्ट तो टैक्स क्योंकि नया है तो वो तो एक लेवल पे आपके साथ लेके आना पड़ेगा. बट लिसन, एन अर्ली स्टार्ट विल ऑलवेज हेल्प यू. You will get more time to practice. ये जो आपको इधर बैठने की अभी आदत पड़ रही है ना, उनको initial days में तकलीफ होगी. By then you will already be used to it. आपका focus, concentration span बढ़ जाएगा. You will have a head start, a better start as compared to other students. So it is very much required and good that you all are starting early. So let's write down who can levy tax. So आपका answer क्या है? Government can levy tax. एंड उसके आगे कॉन्स्टिट्यूशन शुड एम्पावर गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन शुड एम्पावर गवर्नमेंट टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस. सो हु कैन लेवी टैक्स, उसका आंसर क्या है? गवर्नमेंट कैन लेवी टैक्स. कॉन्स्टिट्यूशन शुड एम्पावर गवर्नमेंट टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस. समझ में आ रहा है? सेकेंड, व्हाट इज द गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हमारा? थ्री टीयर. क्या बोलेंगे? थ्री टीयर गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया. यू ऑल हैड अ कहूट टेस्ट नो टूडे इन लॉ? येस. सो वी विल ऑल्सो डू, आई ऑल्सो टेक कहूट, मी एंड अंकिता मैम रेगुलरली टेक कहूट. बट पहले तुमको थोड़ा टैक्स आना तो चाहिए ना टेस्ट लेने के लिए. सो मे बी आफ्टर अ फ्यू, कर लिया परसों, परसों से मे बी आई डू सम नेक्स्ट मंडे वाला लेक्चर, ट्यूजडे वाला लेक्चर, वेर आई टीच यू टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स के रेट्स क्या है, द रियल टैक्सेशन, द स्लैब्स एंड टैक्स रेट्स, एवरीथिंग विल स्टार्ट. ठीक है? येस. सो गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया बताना तो क्या है बेटा? गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया राइट डाउन. थ्री टीयर, थ्री टीयर सिस्टम. तो उसमें कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी. तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे लिखेंगे कैन लेवी ऑब्लिक मेक एक्ट्स, मेक लॉज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. Make laws applicable to whole of India. And state government क्या करेगा? Can make laws applicable to the particular state. Correct. Similarly, local authority कहाँ levy करेगा? It will be applicable to only the
सिटी है ना, जैसे बड़ी सिटी होती है तो वहां पे लोकल अथॉरिटी होती है, छोटा विलेज या गांव टाइप होता है, टाउन होता है तो वहां पे ग्राम पंचायत होता है, सो वैसा। तो यहाँ पे ये थ्री टीयर सिस्टम है। थ्री टीयर का मतलब क्या होता है? लेयर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीयर? लेयर्स। लिखे हुआ क्या? अब टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, क्या टाइप्स है टैक्सेस के? यस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस बोलो, चलो जल्दी। देयर इज डायरेक्ट टैक्स एंड देयर इज इनडायरेक्ट टैक्स। सो देयर इज डायरेक्ट टैक्स एंड देयर इज इनडायरेक्ट टैक्स, करेक्ट? क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में, क्या फर्क, आपको क्या पता है? क्या पता है, आपने क्या सीखा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, बताओ। अच्छा डायरेक्ट टैक्स, हाँ ठीक है, तुम जो बोल रहे हो पहले मैं लिखती हूँ, तुम मत लिखना, रुको, तुम क्या बोल रहे हो बोलो। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे, ओके। और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे। अच्छा ठीक है, और क्या पता है? अच्छा, बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, ओके। मतलब क्या, और क्या, कहाँ शिफ्ट नहीं हो सकता? हाँ, आई टेल यू वन थिंग, इफ यू अर्न सैलरी, आप सीए बन गए, आपको मस्त भारी पैकेज मिल गया, आपने जॉब करना चालू किया, आपकी जो भी कमाई है उस पर आप ही को जाके गवर्नमेंट को टैक्स देना है। मतलब टैक्स के पैसे किसकी जेब से जाएंगे? आपके। और उसका फॉर्म भरना, रिटर्न भरना, इसकी जवाबदारी भी किसके ऊपर है? आपके ऊपर। पैसे गवर्नमेंट को पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में शॉपकीपर जो है, अरे नाम ही से पता चलता है, इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स दिस इज इनडायरेक्टली कलेक्टेड एंड डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली कलेक्टेड, खत्म। डायरेक्ट टैक्स कैसे कलेक्ट होता है? डायरेक्टली। अरे नाम में ही है ना सब कुछ। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कलेक्ट होता है? इनडायरेक्टली। गवर्नमेंट चाहती है आपसे टैक्स लेना, बट आपको एक एक के पास कहाँ आएंगी, उनको कन्वीनियंट नहीं है। उनको क्या कन्वीनियंट है? शॉपकीपर के पास जाना। व्हाट इज कन्वीनियंट फॉर देम? टू गो टू दैट शॉपकीपर एंड दे टेल द शॉपकीपर कि तुम इन सारे कस्टमर्स से टैक्स कलेक्ट कर दो, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट शॉपकीपर को क्या बोलती है? तुम्हारा प्रोडक्ट बेच ही रहे हो ना, तुम कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो, इसकी प्राइस कितनी है? 100 रुपया। तो शॉपकीपर को बोला जाता है 100 प्लस हमारा 18 रुपीज टैक्स कलेक्ट कर दो। तो तुम कलेक्ट करना 118 किस से? कस्टमर से। तो कस्टमर विल गिव द मनी टू शॉपकीपर 18 रुपीज एंड 18 रुपीज शॉपकीपर विल गिव इट टू द गवर्नमेंट। कस्टमर विल गिव 118, 100 रुपया शॉपकीपर के पास जेब में जाएगा और 18 किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट। इजंट इट कन्वीनियंट टू कॉन्टेक्ट वन शॉपकीपर रादर देन हंड्रेड ऑफ कस्टमर्स? दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब सुनना, बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफरेंस, बस लास्ट पॉइंट आई टेल यू। व्हाट इज दैट बर्डन? मतलब 18 रुपीज किसकी जेब से गया? कस्टमर। लेकिन कलेक्ट करना, गवर्नमेंट को देना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? शॉपकीपर। इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन डिफरेंट पर्सन, बट इनकम टैक्स में अगर चमेली है, एग्जाम्पल चमेली इज अर्निंग सैलरी, तो टैक्स भी उसी को देना है, तो टैक्स भी उसी को देना है और रिटर्न फाइलिंग का काम वगैरह भी उसी को करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन उसी के ऊपर है। लेकिन अगर चमेली कुछ गुड्स खरीदने जाती है तो उसका टैक्स कौन पे करेगा? चमेली विल गिव द टैक्स टू शॉपकीपर, शॉपकीपर टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एक्चुअली कलेक्ट कर रही है टैक्स चमेली से इनडायरेक्टली थ्रू शॉपकीपर। दैट इज व्हाई द नेम इज इनडायरेक्ट टैक्स। एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आ गया क्या? सो वी हैव डायरेक्ट टैक्स एंड वी हैव इनडायरेक्ट टैक्स। तो ऑफ कोर्स इसके जो डिफरेंसेस है, इनडायरेक्ट टैक्स किसका टैक्स बेस वाइड है, मतलब डायरेक्ट टैक्स के ज्यादा कस्टमर्स है या इनडायरेक्ट टैक्स के ज्यादा कस्टमर्स? आप सब उसका एग्जाम्पल हो। आप कोई इनकम टैक्स नहीं पे करता बट आप ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो। इनडायरेक्ट टैक्स हैज अ वाइड टैक्स बेस। यू आर द एग्जाम्पल। You are already paying indirect tax but not paying income tax.
यू आर ऑल पेइंग जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स. इसका एग्जाम्पल क्या है, ये जो इनकम टैक्स है ये इसका एग्जाम्पल है और यहाँ एग्जाम्पल है जीएसटी. डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली कलेक्टेड, इनडायरेक्ट टैक्स इज इनडायरेक्टली कलेक्ट. ऑफकोर्स देर आर फ्यू मोर डिफरेंसेज और ये डिफरेंसेज मैं कब देखूंगी, कल. ऑफकोर्स टुमारो आई विल शो एंड शेयर विथ यू क्या क्या बुक्स है, मैं एक पीपीटी है, आई विल डिस्कस दैट विथ यू टुमारो एट द सेम टाइम. सो थैंक यू, आई विल सी यू टुमारो. बाय बाय. बाय टू ऑल द लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो. बाय.